हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं स्टडी विद इंटरेस्ट एंड लव। घटनाचक्र के सीरीज में आज हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय राज व्यवस्था, जो कि पॉलिटी का सेशन है। इसमें हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे सीएजी। बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। सीएजी से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और इसमें अटॉर्नी जनरल और स्टेट के भी एडवोकेट जनरल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, और भी सारे वीडियो पे सारे सब्जेक्ट और भी चले इसमें चल रहे हैं सेशन, जैसे कि करंट अफेयर का हो गया, दृष्टि आईएएस का और विजन का, BNIS का करंट अफेयर चल रहा है जो कि मंथली होता है। तो आप लोग अगर उसको देखना चाहे तो जाकर दे सकते हैं। आंसर राइटिंग का भी इसमें शॉर्ट में डाला जाता है, तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं देख सकते हैं। घटना चक्र सीरीज सामने लगाया गया है, कब कौन से आते हैं, तो आप लोग प्ले स्टोर खोलिए और जाकर चेक करिए। ये UPSC PCS और RO ARO के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग सीधे शुरुआत करते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर चैप्टर है महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। चलिए इसके नोट्स देखते हैं। भारतीय संविधान के तहत भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद का प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 66 के 76 के वन में है, सॉरी 76 यानी 76 के एक के अनुसार राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अधिकृत किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। यानी कि जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज के नियुक्ति होने लायक रहेगा वही अटॉर्नी जनरल बनता है। 76(2) के अनुसार महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे, और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हो। अनुच्छेद 76(3) के अनुसार इसे अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होगा। 76(4) के अनुसार है महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत पर धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करता है, मतलब कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत काम करता है और राष्ट्रपति ही इसका निर्धारित करेगा कितना सैलरी मिलेगा। अनुच्छेद 88 के अनुसार है भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में शामिल होने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं होता है। इसे एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार मिलते हैं। अनुच्छेद 165 के एक के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल हाई कोर्ट के न्यायाधीश के बनने के राज्य का राज्यपाल हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता यानी स्टेट के लिए है, वो सेंटर की तरह स्टेट के लिए है एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। अनुच्छेद 165 के 2 के अनुसार है वह राज्य को विधि संबंधी विषय पर परामर्श देता है, राज्य सरकार का प्रथम विधि सलाहकार होता है। अनुच्छेद 165 के 3 के अनुसार राज्यपाल ये भी राज्यपाल के प्रसाद पर कार्य करेगा, जिसे वह राष्ट्रपति पे था तो ये राज्यपाल। अब आता है 148 के 1 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा तथा यह अपने पद से केवल उसी रीति एवं आधारों से हटाया जाएगा जिस रीति एवं आधारों पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। बहुत पावरफुल पोस्टिंग होती है इसकी। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके सिद्ध कदाचार या असमर्थता पर प्रस्ताव पारित कर इसे पद से हटाया जा सकता है। 148 के 4 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा, मतलब एक बार उस पर कार्य किया फिर किसी और पद पर नहीं जाएगा। इसका कार्यकाल 6 वर्ष तक का या 65 वर्ष का होता है, जो भी पहले हो कि आयु तक होएगा, मतलब कि अगर 6 वर्ष है तो 65 वर्ष या सबसे ज्यादा 65 वर्ष हो गया तो 4 साल में हटाया जा सकता है। इसको लोक लेखा समिति का आंख या व कान कहा जाता है। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 151(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ की लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। अनुच्छेद 151(2) के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक के किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो उनको राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। संसद द्वारा महालेखा परीक्षक यानी कर्तव्य शक्तियां एवं सेवाएं शर्तें सेवाएं अधिनियम 1971 को प्रभावी बनाया गया है।
इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा से लेखा को अलग करने हेतु संशोधित किया गया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, ये सीएजी देते हैं राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति इनको संसद के दोनों सदनों के सभापटल पर रखवाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि संसद पर कौन रखवाता है रिपोर्ट, तो सीएजी न रखकर राष्ट्रपति रखवाता है। अब आते हैं प्रश्न के ऊपर, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है, तो ये होता है अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद परेड पर धारण करता है, तो अटॉर्नी जनरल होगा, महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी कैसे नियुक्त किया जाता है, तो यह किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति होगा, भारत का राष्ट्रपति। सेम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि सलाहकार समझा जाता है, तो वही महान्यायवादी होगा। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन है, तो महान्यायवादी। सेम क्वेश्चन है, भारत सरकार के विधि मुख्य परामर्शदाता, सेम क्वेश्चन वही है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार, तो भारत सरकार के होते हैं। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है, तो महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, चार कथन इसमें है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही है। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की होती है, ये भी सही है। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए, गलत है। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया सकता है, तो नहीं, इसको भी नहीं हटा सकता, प्रसाद परेड कर्म करता है, राष्ट्रपति हटा देता है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए होगा, एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए अहर होगा, तो ये सही है, जो राष्ट्रपति माने जाएगा, अरे सॉरी, जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के योग्यता रखता हो वही बनेगा। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे, तो संसद नहीं राष्ट्रपति करता है, दूसरा गलत है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत का महान्यायवादी के बारे में बताना है, तो लोकसभा की सभी कार्रवाइयों में भाग ले सकता है, सही है, लेगा। लोकसभा किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है, ये भी सही है। लोकसभा में बोल सकता है, सही है, मतदान नहीं कर सकता है, वहां पे तो नोट्स में लिखा भी गया था मतदान करने के लिए, तो एक दो तीन यानी ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है, तो महान्यायवादी को। पार्लियामेंट यानी संसद के किसी सदन के सदस्य के सदस्य होने पर भी सदन में बैठक कौन भाग ले सकता है, तो महान्यायवादी होगा, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने अन्य कार्रवाइयों में सम्मिलित होने, देखिए सेम क्वेश्चन है, तो वही है, महान्यायवादी होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन कार्रवाई भाग ले सकता है, तो सेम क्वेश्चन है, वही होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, तो देखिए ये उपराष्ट्रपति है और महान्यायवादी भी होगा, उपराष्ट्रपति भी ले सकता है। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए यह है, वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, तो सही है, नहीं होता है, उसे संसद के सदनों को बोलने का अधिकार है, तो यह भी सही है, उसे संसद मतदान देने का अधिकार नहीं है, तो सी गलत है, उपरोक्त में से कौन, ये हटाया दिया है, तो सी गलत है। इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा, डी तो से नहीं होगा, क्यों, कोई नहीं है। सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है, तो यह होता है कानूनी सलाहकार। भारत के सॉलिसिटर का सॉलिसिटर होता है, तो एक विधिक होता है ना, न्यायिक सलाहकार होता है, वही विधि के लिए न्याय बनेगा। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार का कौन सा परामर्श देता है, तो ये होता है एडवोकेट जनरल, ऑप्शन बी। इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, तो वही होता है महाधिवक्ता। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है, तो कौन है, तो ये होते हैं एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता। यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा, देखिए राष्ट्रपति द्वारा नहीं बल्कि राज्यपाल द्वारा की जाती है, राज्यपाल की अनुशंसा नहीं, राज्यपाल द्वारा की ही जाती है।
सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर हाईकोर्ट की मूल अपीली तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है, तो नहीं ये भी गलत है, तो इस तरह ऑप्शन डी हो जाएगा, न तो एक न तो दो। 2009 का क्वेश्चन है आईएसपी का। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, तो ये की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है, तो यह होता है अनुच्छेद 48। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है, तो यह होता है भारत राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की परीक्षक के पद का सृजन किया गया, तो संविधान द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है, तो यह होता है 6 वर्ष का। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है, तो यह होता है राष्ट्रपति प्रतिच्युत कर सकते हैं, यही नहीं। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान होती है, सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह होता है। कथन और कारण है, कथन दोनों कथन ही है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है, उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना होता है, तो देखिए ए और दोनों सही है, सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, ये कारण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है, देखिए भारत के संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है, तो ये सही है, ऑप्शन ए। आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाली सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये भी सही है। सभी व्यापार निर्माण लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, तो ये भी सही है। सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निगम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो, तो ये गलत है, इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह है, सही है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यकाल कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उनकी बाबत में, देखिए क्या लिखा, बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा, तो इस प्रकार ऑप्शन बी सही है, दोनों सही है, एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक निधि फलोत्पादक और आशयित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय का महत्व क्या है, तो इसमें है सीएजी संसद की ओर से राजकोष एवं राजकोष पर नियंत्रण रखता है, जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात वित्तीय घोषित करता है तब, नहीं ऐसा नहीं है। सीएजी की मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार पर विमर्श करता है, तो ये सही है। सीएजी के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांच करता है एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो, तो ये भी सही है। सीएजी को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियां प्राप्त है कि सरकारी कंपनियों को लेखा परीक्षा और लेखा जांचते समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों पर महाभियोग लगा, नहीं तो ये गलत है, उसको अधिकार नहीं है, तो इस प्रकार 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा यानी सीएजी की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है, तो यह होती है संसद की, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है, तो यह होता है भारत के महालेखा नियंत्रक महालेखा परीक्षक। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की कर्तव्य को निर्धारित करता है, तो यह होता है अनुच्छेद 149। नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है, तो देखिए उसको राष्ट्रपति द्वारा भी हटाया जाता है और संसद के दोनों संबोधन इसके द्वारा भी, राष्ट्रपति द्वारा नहीं होता है, संसद के होता है, तो इसमें देखिए नहीं दिया गया है, संसद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है, तो यह होता है लोक लेखा समिति का। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग यानी लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया है, तो यह है 1976।
1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य शक्तियों और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षक को पृथक करता है और सीएजी को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। तो यह संशोधन किया गया, तो यह है 1976 में। राज्यों के वित्तीय लेखों का परीक्षण करता है, तो यह करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्तीय लेखों की समीक्षा का कार्य भी भारत के सीएजी करता है। अगला क्वेश्चन है, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सीएजी को। भारत के सीएजी कार्य करते हैं, तो यह करते हैं लोक वित्त संरक्षक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, गिरिचंद मुर्मू बने हैं भारत के, इसमें सीएजी बने हैं, कौन से हैं? तो 14वें। अगला है, सूची उनको सूची से मिलाना है, तो यहाँ भारत का उपराष्ट्रपति, तो भारत का उपराष्ट्रपति हो जाएगा राज्यसभा से। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो यह होता है लोक लेखा समिति। भारत का महाधिवक्ता कौन होता है? तो यह होता है सुप्रीम कोर्ट के बराबर। और भारत का महान्यायवादी होता है, तो यह होता है लोकसभा की बैठक में भाग ले सकता है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए हो जाएगा, सही है ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? इसमें गलत बताना है। लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन इसके अंतर्गत आते हैं, तो गलत बताना है। सार्वजनिक खर्च का परीक्षण सही है, सार्वजनिक राजस्व सही है, वित्तीय प्रशासन सही है, व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन, तो ये आरबीआई करता है, इनका कार्य नहीं है। तो इसको ऑप्शन, इस प्रकार ऑप्शन डी रहता है। तो हम लोग यहाँ पर इसको समाप्त करते हैं और हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे वरीयता अनुक्रम में, या इसको इसी में निपटाई देते हैं, बहुत छोटा सा है। वरीयता अनुक्रम क्या होता है? तो वरीयता अनुक्रम केंद्र एवं राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारियों के पद पर क्रम से संबंधित है। देखिए, इसमें क्वेश्चन बहुत ही कम आए हुए हैं। देखिए, आईएएस प्री 2000 में पूछा है, ऐसे क्वेश्चन बहुत अब ज्यादा इसमें नहीं। देखिए, इसमें बीपीएससी में पूछा हुआ है, इसको क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए, तो यह बताना है कौन सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर आएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश 4 नंबर, और फिर आएगा संघीय मंत्रिमंडल सदस्य हो जाएंगे, फिर हो जाएंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो फिर मंत्रिमंडल सचिव। तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही है। भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर से ऊपर कौन आता है? तो ये होता है भूतपूर्व राष्ट्रपति। फिर है भारतीय नयाचार यानी प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वोत्तर क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन है? तो ये है अपने राज्य में राज्यपाल। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले आता है? तो ये देखिए, इसमें यूपीएससी का अध्यक्ष, चुनाव आयुक्त, नियंत्रक, लेखा परीक्षक, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए, इसमें तो एक से अधिक है, जैसे कि वरीयता अनुक्रम में विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक एवं ऑर्डर से संबंधित है। इस संबंध में वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई 1979 को जारी की गई थी, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की परीक्षक को वरीयता क्रम में एक समान 9 की क्रम में रखा गया है, जबकि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के को हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 14वें स्थान पर, जबकि हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार के बाहर 17वें स्थान पर रखा गया है। इस तरह विकल्प ई हो जाता है, दोनों कई इसमें कई तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन होता है? तो यह होता है मंत्रिमंडल सचिव। आखिरी क्वेश्चन इसमें, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो यह है भारत के मंत्रिमंडल सचिव। तो आप लोग यहाँ पे वीडियो रोक कर इसको देख सकते हैं कौन किस नंबर पे आता है, कभी कभी क्वेश्चन इसमें पूछ लेते हैं। तो चलिए, अब हम लोग इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संसद, जो कि लोकसभा का होगा। तो चलिए, इस तरह वीडियो समाप्त होता है। आप लोग अगर यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।